और मोदी शायद चुनाव में इतना मस्त हो गए हैं क्योंकि हर दिन तो चुनाव लड़ते रहते हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं कर दिया, केवल अडानी अंबानी के लिए जो भी कर रही है सरकार उन्हीं के लिए कर रही है। मोदी जी मुझे नहीं लगता कि इतना भी पता है कि देश की जनता के साथ क्या हुआ। किसान मजदूर ड्राइवर इन पे सरकार जुर्म डाल रही है। कह दिया गया है रामराज तो बस रामराज, मुझे लगता है देश चलाने वाले कोई और है, मोदी सिर्फ पुतला है। इन्होंने वो सोशल मीडिया पर छोड़ दिए हैं वो कुत्ते, वही समझा रहे कि देश में डंका बजा रहे, बस इनका काम ही सिर्फ इतना दे रखा कि तुम प्रचार कर रहे हो। आंदोलन नहीं था मेरे ख्याल से 750 लोगों की हत्या। मोदी जी हमारे सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कुछ जानते ही नहीं। प्रधानमंत्री जी इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लोग इतना त्राई हम मचे पड़े हैं तब भी पद छोड़ने के लिए। मोदी जी काल में मंदी क्या भुखमरी देखने को मिल रही है। 40 रुपए लीटर का वादा करके आए पेट्रोल का, आप 100 रुपए लीटर दे रहे हो, कितना लूटोगे इस देश की जनता। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया है, वहीं पर किसान अलग अलग जगहों से दिल्ली के लिए चल चुके हैं। वहीं पर अगर सिंधु बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर की मैं बात करूं तो वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है और कटीले और नुकीले तार भी वहां पर लगा दिए गए। वहीं पर हम अभी सब मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर भी आप नीचे देखेंगे कि लगातार वहां पर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैक है और लगातार पूरी सिक्योरिटी कर रखी है यहाँ पर। और वहीं पर अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं तो वहाँ पर भी लगातार सभी चीज़ों की पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है किसानों को रोकने के लिए। हम आम जनता से बात करते हैं और ये क्या कहते हैं इन सब को लेकर। गाजीपुर में हम मौजूद हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि जब से किसानों का दिल्ली कूच का आगमन किया है तभी से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैक हो गया है और लगातार फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हुए हैं। आपको एक बार नीचे भी मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार, अभी मैं नीचे से आपको एक दिखाया था कि किस प्रकार पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, उसी प्रकार ऊपर भी बैरिकेडिंग कर रखी है। वहाँ पर पब्लिक को हालांकि जाने दिया जा रहा है यहाँ से, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल कड़ी हो रखी है। वहीं पर जनता क्या सोच रही है इस बारे को लेकर हम बात करते हैं। भैया क्या सोच रहे हैं किसानों ने, 13 महीने पहले आंदोलन किया है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर बैठे जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, और फिलहाल फिर किसान दिल्ली के लिए कूच करने का आह्वान कर दिया, कह रहे हम दिल्ली जाएंगे, उनकी बातों को माना नहीं गया अभी। देखिए मेरा मानना है ये है, मानना क्या है, ये हकीकत भी है कि गवर्नमेंट ने इनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके MSP लागू करेंगे। मोदी जी ने 3 काले कानून जब वापसी लिए थे तो ये वादा किया था। और मोदी जी शायद चुनाव में इतना मस्त हो गए हैं क्योंकि हर दिन तो चुनाव लड़ते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, रुकते तो है ही नहीं क्योंकि काम तो कोई और ही कर रहा है आज की डेट में। मोदी जी मुझे नहीं लगता कि इतना भी पता है कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, देश का क्या हाल है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें कह दिया गया है रामराज तो बस रामराज, मुझे लगता है देश चलाने वाले कोई और है, मोदी सिर्फ पुतला है, और क्योंकि बस इनका काम ही सिर्फ इतना दे रखा है कि तुम प्रचार करते रहो, बाकी तो देश चलाने वाले कोई और ही चला रहे हैं। बड़े 13 महीने पहले धरना खत्म करवाया था केंद्र सरकार ने, खत्म करवाया था, उनको सारा आश्वासन दिया था, कह रहे सबके काम हो गए, तो आपको लग नहीं रहा कि काम हो पाए अभी तक। भाई साहब वो आंदोलन नहीं था, मेरे ख्याल से 750 लोगों की हत्या करी थी, वो हुई थी उस लोगों ने उसमें, और ऐसा कोई सा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। मैंने ऐसे इतने लोगों की नैतिकता के सिर्फ उनकी जीवन में एक घटनाएं हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लोग इतना त्राई हम मचे पड़े हैं तब भी पद छोड़ने के लिए, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, कितना सपोर्ट करोगे मोदी जी बड़े बड़े लोगों को। ये देश की जनता, आप देश के पिता बने थे एक तरह से, सोच के देखिए कि आप देश के पिता बनाए गए थे, कि देश ने चुना था कि आप प्रधानमंत्री बन के बाप अपने बच्चों का सबका भला करेगा एक नजर से देखेगा, मगर आपने चंद लोगों को इतना मोटा पैसा दे के बाहर भगा दिया और उन पर कार्रवाई नहीं करी, इसे कैसे डंका बजना बोले हम देश का। विदेश में तो डंका बज रहा है ना, कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है, विदेश नीति इतनी मजबूत कर दी है, आजकल कोई भी भारत पे आग दिखाने से पहले सोचता है, भारत की तरफ देखने से पहले सोचता है। देखिए पहले भी एक बात बता दूं, ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ का व्यापार है, यहाँ पे इतना बड़ा व्यापार है कि चीन भी नहीं लड़ना चाहेगा हमसे, ना अमेरिका लड़ना चाहेगा। क्यों नहीं लड़ना चाहेगा? क्योंकि उनका व्यापार यहाँ पे उनकी चीजों की खपत है। इसलिए पहली बात तो ये भूल जाइए कि डंका उनकी बेस पर नहीं, यहाँ की जनता, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का व्यापार बाजार इतना बढ़िया है, इतना अच्छा बाजार है, हिंदू व्यवस्था के बाजार इतने लाजवाब है, बहुत बढ़िया, यहाँ कभी मंदी नहीं आने को देखने को मिलती थी, और मगर मोदी जी काल में मंदी क्या भुखमरी देखने को मिल रही है। तो इसलिए कोई भी देश हमसे लड़ने, और रही डंके की बात, डंका बजना जब मानते कि आपके 4-5 जो चोर भागे हैं ना वो वापसी आ जाते देश में, उन्हें गिरवान पकड़ के आप लेके आते तो मैं मान जाता डंका बज रहा है। डंका सिर्फ उन लोगों के दिमाग में बज रहा है जिन्हें 4 भेड़ों को जिसे चलाने, पुराने जमाने में मैंने कहावत देखी थी कि लोग भेड़ पालते थे तो कुत्ते भी पालते थे 4-6, तो वो कुत्ते इसलिए काम आते थे कि जिससे कि भेड़ों को एक नियंत्रण में चलाया जा सके, एक साइड में, एक इस साइड सामने नियंत्रण में कुत्तों को चलाए, भेड़ को चलाया जा सके। तो इन्होंने वो सोशल मीडिया पर छोड़ दिए हैं वो कुत्ते, वही समझा रहे कि देश में डंका बजा है, जबकि डंका नहीं बज रहा, डंका बज रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा वापसी, देश में काला धन विदेशों में बढ़ गया है, वो क्यों नहीं आ रहा, घटना चाहिए था। मोदी जी ने वादे करे थे कि काला धन लेके आएंगे,
काला धन भी कब आया, यानी कि मोदी जी हमारे सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कुछ जानते ही नहीं है। उन्हें अच्छा, वादा तो राम मंदिर का था ना 2014 में इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का वादा राम मंदिर का था, 2019 में भी मुद्दा सबसे बड़ा राम मंदिर ही था, 2024 में कंप्लीट कर दिया उसे। मेरे पत्रकार भाई आपको गलत फहमी हो रही है, कब करा उन्होंने ये वादा नहीं करा था कि हम काला धन लेकर आएंगे? जब करा था तो आया कहाँ काला धन? नोटबंदी से आ गया होगा, सबको दिखाएंगे थोड़ी, दिखाएंगे थोड़ी हाँ। फिर देश की जनता से इतना पैसा क्यों ले रहे हैं टैक्स हैं? 400 रुपए का सिलेंडर आप 1150 का बेच रहे हो, आप इतने चीजें कर क्या रहे हो भाई हाँ। हैं कर क्या रहे हो मेरे भाई हाँ। हैं देश को 40 रुपए लीटर का वादा करके आए पेट्रोल का हाँ। आप 100 रुपए लीटर दे रहे हो, कितना लूटोगे इस देश की जनता को हर दिन? मैं कहता हूँ कि शराबी भी जो गरीब से गरीब परिवार इतना देश के लिए निछावर कर रहा है वो कमाई को आप सोच के देखेंगे कि इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के अंदर, इतना कंट्रीब्यूशन कर रहा है देश में, दान चीजें दे रहा है, और आप उसके लिए क्या दे रहे हो? सिर्फ 100-150 रुपए का, 100-200 रुपए गेहूं। अच्छा, अभी जो बजट आया था उस बजट में किसानों के लिए भी बात हुई थी, आय दुगनी की भी बात हुई थी, और किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं हो तो उनको देने के लिए बात हुई थी, और उन पे काम काफी तेजी से हो भी रहा है इसकी भी बात हुई थी, तो किसान तो संतुष्ट है ना? बताइए क्या हुआ? नहीं हो रहा, क्या हुआ है बताइए सही, मैं भी तो जान तो बता रही है, सरकार तो रोज वादे कर रही है, उन्होंने तो कहा 15 लाख भी आएंगे आ गए, ऐसे ही वादे रोज बोलते हैं। अमित शाह ने क्लियर कर दिया था, अमित शाह ने क्लियर कर दिया था, तो इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था काला धन लाएंगे नहीं लाएंगे उसमें बढ़ा देंगे, काला धन बढ़ गया ना विदेशों में, इन्होंने ये भी कहा था कि हम काला धन बढ़ा देंगे, बोले उस पर कोई मंत्री जी जवाब तो दें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए, दुगनी नहीं हो रही क्या? कहाँ कौन सी दुगनी हो रही, तो यहाँ क्यों आते फिर? वो अपने काम में अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, तो वैसे आते क्या? अच्छा चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया क्या लग रहा है, किसानों ने जो 13 महीने अब पहले भी आंदोलन दिया और फिर एक बार किसानों ने दिल्ली के लिए बोल दिया कि दिल्ली जाएंगे, अब पुलिस प्रशासन हिल गया है, सरकार भी हिल गई है, पूरा बैरिकेडिंग हो रखा है, आप नीचे देख रहे हो, तो क्या लग रहा है किसान आएंगे? किसान आ रहे हैं और आ भी गए हैं सिंगू बॉर्डर की तरफ, उन पे आंसू गैस के गोले गोले छोड़े जा रहे हैं, ठीक है इधर भी आएंगे, किसान मानने वाले नहीं, किसान मजदूर ड्राइवर इन पे सरकार जुर्म डाल रही है आपको बताने के लिए। अच्छा, और ये सरकार अगर इनकी बात नहीं सुन रही है तो 100% आने वाले चुनाव में मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? कह रहे हमारी सरकार आ रही है 2024 में भी, वो समय बताएगा भाई, 2024 में वो वादा करेगा, राम मंदिर दे दिया है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, राम मंदिर दे दिया, अच्छी बात है हाँ। आस्था का केंद्र है वो, सभी के किसी धर्म का हो आस्था का केंद्र है, अच्छी बात है राम मंदिर दे दिया, लेकिन ये भी तो सोचो जो तुम नए नए कानून लगाते चले जा रहे हो, इससे गरीब आदमी अब ड्राइवर के पास 10 लाख रुपया 10 साल की सजा चला जाएगा तो क्या करेगा आप बताइए? उसको आपने होल्ड पे डाल दिया चुनाव को देखते हुए, चुनाव जीत गए उसी वक्त पे तुम उसको कभी भी लागू कर दोगे, तो इसका भी डर है ड्राइवरों को, ड्राइवरों को डर है, किसानों के ही बेटा ड्राइवर है, ड्राइवर साथ है, साथ है किसानों के, किसानों के साथ है ड्राइवर, केवल किसान एक बार आवाज दें ड्राइवर जहाँ है वहीं खड़े हो जाएंगे सारे ड्राइवर। अच्छा क्या लग रहा है, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं दुगनी आय कर दी, बीजेपी लगातार कह रही है किसानों की भी दुगनी आय कर दी, अभी बजट आया उसमें भी बहुत सारे फायदे गिनाए किसानों के लिए, क्या हो नहीं रहे हो? किसानों के लिए कुछ नहीं कर दिया, केवल अडानी अम्बानी के लिए जो भी कर रही है सरकार उन्हीं के लिए कर रही है, ठीक है अब भाई पावर में है वो, बैरिकेड लगाए चाहे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दें, सरकार बैरिकेडिंग तो इस सरकार लगा दी है, कोई आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान की तरह देखें आप किस तरीके से मट्टी नुकीले का, हमने वहाँ सिंगू बॉर्डर पर भी देख के आए, पूरा दिन जे बड़े बड़े भाले से लगा दिए उन्होंने, ठीक है टायर फाड़ने के लिए, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है, नहीं और अगर ये इस तरीके से लगा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन किसान भाइयों से कि जो भी साग सब्जी जो भी आती है हरी सब्जी दिल्ली में आना बंद कर दो। अच्छा, इससे तो दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी ना। अरे सरकार फिर सरकार करेगी ना व्यवस्था, जो ये बैरिकेड लगा दिए सरकार करेगी व्यवस्था। अच्छा, ये खुद लाएंगे, लेकिन आम जनता भी तो परेशान हो जाएगी भाई, नहीं मिलेगा उनको जब खाने को नहीं मिलेगी तो सरकार करेगी ना पूरी। अच्छा, तो किसान भी तो अपना हक लेने के लिए आ रहा है ना, तो उसे आने दीजिए, उससे बात करिए, बात कर तो रही है, चल भी रही है, मीटिंग कल भी चली और आज भी चली, आज भी चली, आप यहाँ बुला रहे हो, जाइए ना आप गाँव में जाइए, आप जब वोट मांगने जाएंगे तो आपके मंत्री आपके विधायक आपके नेता सब जाएंगे ना, तो ऐसे ही जाके गांव-गांव उन्हें समझाइए कि आपकी बात रखे हैं आप, हमें बताइए समस्या, तो ये नौबती ना आए बॉर्डर सील करने की। आम पब्लिक समर्थन दे रही है किसानों को पूरा भाई, बिल्कुल बिल्कुल साथ है किसानों। चलो आम पब्लिक यहाँ पे आप देख सकते हो, आम पब्लिक रुकी हुई है काफी संख्या में, यहाँ पे रुक के नीचे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि बैरिकेडिंग हो रखी है, सब व्यवस्था हो रखी है, अंकल जी नीचे देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, बैरिकेडिंग हो रखी है किसानों को रोकने के लिए। ये ठीक है, तो क्या लग रहा है किसान जैसे पहले 13 महीने उनने आंदोलन दिया था यहाँ पर, दोबारा किए थे समर्थन नहीं मिला उनको, फिर से कर रहे हैं, कुछ हल निकल जाए। सही कर रहे हैं? नहीं सही तो नहीं है अभी फिलहाल,
सही नहीं है, किसानों की तरफ से सही नहीं है, सरकार की तरफ से, किसान की तरफ से सही नहीं है। क्यों सही क्यों नहीं है? अभी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन टाइम में नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन टाइम में वो कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम में ही हम अपनी बात रखेंगे तभी तो पूरी होगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। ऐसा कोई चाहे पहले भी तो हुआ था, क्या हुआ, पहले 19 में आए थे कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे ही है, शांत हो जाएगा। सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, वो अलग मैटर है, वो मिलजुल कर बांटना चाहिए। अच्छा, मिल के बांटना चाहिए। क्या लग रहा है भैया आपको, कहाँ से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं, इंदिरापुरम से। तो दिक्कत हो रही है आने जाने में? आने में तो दिक्कत हो रही है, अभी तीन घंटे दो डेढ़ घंटे में गए थे हम, डेढ़ घंटे में। अच्छा, किसान यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले हैं ऐसा उन्होंने बोला है कि हम आएंगे, तो क्या लग रहा है कि किसान सही कर रहे हैं गलत? नहीं, इस हिसाब से सही कर रहा है, पब्लिक परेशान हो रहा, बस ये है, पब्लिक परेशान, वो अपने लिए तो सही कर रहे हैं, कोई फायदा होगा तभी तो कर रहे हो, तभी कर रहे हैं। बोला भाई, चलिए, तो यहाँ से हम आम पब्लिक से बात कर रहे थे, अभी हम गाजीपुर बॉर्डर के पुल फ्लाई ओवर के ऊपर हैं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर पब्लिक रुक के देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी तक तो यहाँ पे कोई किसान आए नहीं है, फिर हालांकि कब आने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी, और लगातार हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनित टाइम्स, धन्यवाद।